हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो आज ये पेंट और ट्रिमिंग से रिलेटेड पीडीएफ है, जिससे कि क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। और ये क्वेश्चन जो है सभी डिपार्टमेंट में आ सकते हैं, या तो CW हो, नहीं तो कैरेज एंड वैगन का, सिर्फ कैरेज का अगर हो तो भी, कैरेज में तो और ज़्यादा आने की संभावना है, और CNW से भी इससे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर एक से। इससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो बनाओ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। व्हाट इज़ द कलर स्कीम फॉर पेंटिंग ऑफ कृष्ण बोगी? जो कृष्ण बोगी जो होती है, उसका जो कलर होता है वो कौन सा कलर का होता है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है रेडी मिक्स रेड ऑक्साइड। ठीक है, आप देखते होंगे रेड ऑक्साइड टाइप का जो है कृष्ण बोगी का कलर होता है, लेकिन आपको ये ध्यान नहीं रहेगा एग्ज़ाम में कि उसका नाम क्या है। उसका नाम ये है रेडी मिक्स रेड ऑक्साइड। ठीक है, टू देखो, व्हाट इज़ द कलर स्कीम ऑफ पेंटिंग ऑफ ICF कोचेज? जो ICF कोचेज जो होते हैं उसका पेंटिंग, हालांकि ICF कोचेज जो है धीरे धीरे एलिमिनेटेड होते जा रहे हैं, मतलब समाप्त होते जा रहे हैं, उनके जगह पर LHB कोचेज का आगमन हो गया है। तो फिर भी ICF से क्वेश्चन आपको आते रहते हैं। तो ब्लैक बिटुमिनस पेंट है, ठीक है, उसका ब्लैक बिटुमिनस पेंट, याद रखिएगा, ये कलर नहीं पूछा है, स्कीम पूछा है। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, व्हाट इज द कलर स्कीम फॉर वैगन पेंट? अब वैगन पेंट का भी पूछ सकता है, वैगन में जो है कौन से पेंट होते हैं। ठीक है, तो इसका है गंटियन ब्लू। ठीक है, ये याद रखिएगा, वैगन का, ICF का और कृष्ण बोगी का, तीन हो गया। तो एक बार अगर आपसे ये क्वेश्चन गुजरा हुआ रहेगा, बार बार याद, फिर आपको इसको रिपीट कीजिएगा तो आपको एग्ज़ाम में परेशानी नहीं होगी। एक दो अंक से भी आप असफल हो सकते हैं, आपके इतने दिन की मेहनत जो है एक दो क्वेश्चन छूटने पर भी आपका जो है रिजल्ट नहीं हो सकता। इसलिए हर एक पोर्शन को आपको टच करना है, हर एक क्वेश्चन को आपको छूना है, ताकि एग्ज़ाम मिस ना हो। क्योंकि ऐसा जो अपॉर्चुनिटी है JEE का, तो बहुत सालों में एक बार ऐसा मिलता है, या वैकेंसी आती है 2-3 साल, कहीं कहीं तो 5-10 साल भी लग जाते हैं। इसलिए ये इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना है। ठीक है, हर एक पोर्शन को छूना है, हर एक पोर्शन को टच करना है, और हर एक पोर्शन से क्वेश्चन जो है याद करना है। देखिए, थ्री तो हो गया, फोर देखिए, व्हाई एल्युमिनियम पेंट इज अप्लाइड ऑन टॉप ऑफ द रूफ ऑफ ICF कोचेस? जो ICF कोचेज जो है उसमें आपने देखा होगा कि टॉप होता है, टॉप उसमें एल्युमिनियम पेंट, जिसको कि सिल्वर पेंट भी कहा जा सकता है, वही क्यों लगाया जाता है, दूसरा कलर क्यों नहीं लगाया जाता? तो इसका कारण क्या है कि हीट को ये रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, और हीट को रिफ्लेक्ट करेगा तो नीचे जो पैसेंजर्स हैं उनको कंफर्टेबल लगेगा, और हीट जो है नीचे नहीं आएगी, इसलिए इसको फॉर हीट रिफ्लेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस चार का हो जाएगा A। ठीक है, यदि इस तरह के PDF जो है, हम हालांकि सबको तैयारी कराते हैं, और बहुत लोगों का क्वेश्चन आंसर आते रहता है कि सर कैसा मिलेगा, कौन सा लैंग्वेज में मिलेगा, इस तरह का लैंग्वेज में ही PDF बनते हैं। हालांकि आपको कुछ हिंदी में भी मिलेंगे, जैसे पास PTO रूल्स हो गया, डिसिप्लिनरी रूल्स हो गया, राजभाषा हो गया, स्टोर्स का हो गया, और जमालपुर के लिए हमने 140 ट्रेन क्रेन का बनाया है, और जैक का काम चल रहा है, जैक का जैसे ही बनेगा और उसे बना दिया जाएगा, और स्टोर का भी बना के हमने सबको दिया है, लेकिन स्टोर में और कुछ ऐड करना है, वो भी ऐड करके सबको फिर से देंगे। तो यदि आप मटेरियल मेरा लेना चाहते हैं, तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि 80-90% या उससे ज़्यादा भी आपको क्वेश्चन डायरेक्ट मैच कर जाएंगे। मैं बिल्कुल यही काम करता हूं, और बहुत दिनों से आप लोगों के लिए लगा हुआ हूं, तो मुझे इतना तो मालूम है कि कौन सी डिवीज़न में किस तरह के क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं। तो मेरा मटेरियल उसी तरह का रहता है, और लैंग्वेज के भी अगर पीछे भागेगा तो लैंग्वेज जो है हिंदी में उतना इन्फॉर्मेशन जो है एकत्रित नहीं हो पाती है, इसके वजह से मुझे अंग्रेज़ी में, और जो टाइपिंग का जो प्रोसेस है वो हिंदी का थोड़ा डिफिकल्ट है, और नाम भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, जैसे यांत्रिक हो गया, व्हील का पहिया हो गया, एक्सल का धूरा हो गया। तो आप थोड़ा इतना तो कवर कर सकते हैं कि अगर लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द मेथड ऑफ पेंटिंग ऑफ कोच विथ PU पेंट, इतना तो कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द मेथड, क्या मेथड है और पेंटिंग ऑफ कोच के पेंटिंग के लिए विथ PU पेंट से। तो यही सब आपको कोई इतना ही इजी रहते हैं, और अगर मेरा 8-10 वीडियो कंटिन्यू अगर पूरी तरह से ध्यान से देख लेते हैं, तो मुझे भरोसा है कि आपको इंग्लिश भी आ जाएगी। ठीक है,
तो यदि आप PDF मेरा लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि हम JEE की तैयारी करेंगे, दिल से करेंगे, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 8121390916 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको 2000 रुपया देना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बिना गुरु दक्षिणा के जो है आपको ज्ञान होगा ही नहीं। भगवान करे हो जाए बिना गुरु दक्षिणा के, लेकिन आपके लिए कोई इतना मेहनत कर रहा है तो उसका पैसा, और मैं पैसा इसलिए लेता हूँ क्योंकि ज़रूरतमंद आधे ही हमसे जुड़े, बिना ज़रूरतमंद वाले नहीं जुड़े, जिनको ज़रूरत है वही जुड़े, और जिनको ज़रूरत है वो पे करके पढ़ रहे हैं, उनके लिए अलग से क्लास भी लगाया जाता है। तो चलिए चलते हैं इसमें, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया। वो क्या है कि मैसेज बहुत सारे आते हैं तो मुझे रिप्लाई करते करते थक जाता हूँ, इसलिए मैं वीडियो में कुछ कुछ बोल देता हूँ ताकि वो लोग देख ले, तो मुझे मैसेज नहीं आए ज़्यादा। चलिए, व्हाट इज द मेथड ऑफ, जो मेथड होता है पेंटिंग का पोच में, PU पेंट से। PU पेंट जो होता है थोड़ा अच्छा क्वालिटी का होता है, उसका रेट भी ज़्यादा होता है, और वो जो है निकलता कम है, निकलता नहीं है धूप से, एकदम चिपक जाता है, उसी को PU पेंट कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पेंट बूथ, ठीक है, पेंट बूथ होता है। 6 नंबर देखिए, विच टाइप ऑफ कोटिंग इज यूज फॉर हमसफ़र, जो हमसफ़र अभी कोच जो है उसके फीचर से भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसका फीचर जो है हम उसका फीचर का भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल उसके बारे में एक दो क्वेश्चन आ गए हैं, वो देख लीजिए कि विच टाइप ऑफ कोटिंग इज यूज फॉर हमसफ़र कोच इंस्टीड ऑफ पेंट, ठीक है। तो जो PVC विनाइल कोटिंग है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो 7 देखिए, ए वर्टिकल लाइन ऑन 4 कॉर्नर्स ऑफ साइड वॉल ऑफ ICF कोच रिप्रेजेंट, जो वर्टिकल लाइन होता है फोर चारों कॉर्नर में साइड वॉल के, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या है, ठीक है। कोच जो है फिल्ड विथ CVC कपलिंग के लिए, CVC कपलिंग उसमें लग चुका है, ठीक है। जो कोचेज जो होते हैं, अगर इस तरह का कोच है अगर समझिए, तो यहाँ पर जो है येल्लो कलर से पीली पट्टी बनाई जाती है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि ये CVC वाली है या स्क्रू कपलिंग वाली है, जिसमें पट्टी लगा होगा वो CVC वाला होगा, और जिसमें पट्टी नहीं लगा होगा वो स्क्रू कपलिंग का होगा, ठीक है। उसके बाद 8 देखिए, व्हाट प्रेशर रिप्रेजेंट द जेब्रा लाइंस अबव लेबोरेटरी विंडो ऑफ LSB कोचेज, जो ICF कोचेज, जो ICF कोचेज जो होते हैं उसमें लेबोरेटरी मतलब जो टॉयलेट होता है उसका जो दरवाज़ा बाहर की तरफ होता है, उसमें जेब्रा क्रॉस लाइन टाइप का एक ब्लू और येल्लो में लाइन बनाया जाता है, उसका क्या मीनिंग है, ठीक है। तो उसका ये मीनिंग है कि वो अनरिजर्व कोचेज है, यानी जनरल कोचेज जिसको बोलते हैं। हालांकि कोरोना की वजह से उस कोच का भी रिजर्वेशन हो गया है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज द कलर स्कीम ऑफ LSB कोचेज ऑफ राजधानी रैक, LSB कोचेज जो होता है राजधानी का, वो कलर स्कीम उसका क्या है, तो सिंगल रेड विथ सिंगल ग्रे, ठीक है, सिंगल रेड विथ सिंगल ग्रे, याद रखिएगा। 10 देखिए, व्हाट इज द कलर स्कीम फॉर LSB कोच फॉर शताब्दी रैक, जो शताब्दी रैक जो होगा LSB का, उसका क्या कलर होगा, लाइट ब्लू विथ लाइट ग्रे, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं चाहिए, इतने सारे समय मिलते हैं, और मेरा जो मटेरियल है वो कम समय में आपको तैयारी करने के लिए प्रेरित करता है। मैं टेस्ट भी लेता हूँ, जैसा कि आप जानते हैं मेरे टेस्ट में लगभग बहुत सारे लड़के हैं और सब अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और रिजल्ट भी बहुत अच्छा हो रहा है हर जोन में, अब रिजल्ट आना शुरू हो गया, पहले से भी आते थे और अभी भी रिजल्ट आते रहते हैं, और जो रिजल्ट आता है उसके बारे में उनका रोल नंबर वगैरह मैं अपने स्टूडेंट जो हमारे से जुड़े हुए हैं जो टेस्ट देते हैं उनको भेजता रहता हूँ, उनको प्रेरित करता रहता हूँ, और इससे प्रेरणा मिलने से वो और भी ज़्यादा तैयारी करते हैं। तो लगे रहने के लिए आप लोगों के लिए मैं हर वो जो है क्या बोलते हैं श्याम दाम दंड भेद, हर वो पैतरा यूज करते रहता हूँ जिससे कि आपका जो है पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान हो, आपकी तैयारी हो, आपका रिजल्ट हो, तो इस तरह का मैं काम करता रहता हूँ। 11 देखिए, व्हाट कलर इज यूज फॉर राइटिंग वर्क ऑफ कोचेज, कोचेज में जो राइटिंग का वर्क होता है, मतलब लिखते नहीं है, कोच नंबर लिखते हैं, या जो किस रेलवे का है वो लिखते हैं, या गाड़ी का जो है वो लिखते हैं, स्लीपर में कितने सीटें हैं ये सब लिखते हैं, ये सब का जो है रॉयल ब्लू कोबाल्ट ब्लू, ठीक है, रॉयल ब्लू और कोबाल्ट ब्लू का यूज किया जाता है। यदि आपने नहीं इस क्वेश्चन को देखा, यही नहीं याद किया, देखिए यहाँ नेवी ब्लू भी है, इसमें भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, आपको तो सिर्फ ब्लू याद रहेगा।
व्हाट इज़ द लेटेस्ट कलर स्कीम फॉर पेंटिंग ऑफ आईसीएफ कोचेस? आईसीएफ कोचेस का जो पेंटिंग होता है उसका लेटेस्ट जो है कलर स्कीम क्या है? देखिए, एप्रिकॉट विथ ब्लड रेड स्ट्रिप्स, ठीक है, एप्रिकॉट विथ ब्लड रेड स्ट्रिप्स, ये है इसका कोड। व्हाट रिप्रेजेंट द येलो स्ट्रिप ऑफ बोथ साइड ऑफ इंड पैनल ऑफ आईसीएफ? जो है बोथ साइड, जो दोनों साइड जो है इंड में येलो जो स्ट्रिप्स होते हैं वो क्या करते हैं? इसका है एंटी टेलीस्कोपिक आईसीएफ या बीईएमएल कोच में लगे होते हैं, जो कि एंटी टेलीस्कोपिक को सूचित करते हैं, मतलब कि ये लास्ट कोच है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्पीड ऑफ एलएसबी कोच? एलएसबी कोच का जो मैक्सिमम स्पीड होता है वो कितना होता है? 160 किलोमीटर का होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 15 में क्या बोलता है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ राइटिंग वर्क ऑफ एलएसबी कोच? में जो राइटिंग वर्क होता है लिखने का काम, वो कौन से कलर से होता है? रॉयल ब्लू, कोबाल्ट ब्लू, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, व्हाट इज़ द कलर स्कीम फॉर पेंटिंग द इंड वॉल ऑफ एलएसबी कोचेस शताब्दी रैक? ठीक है, इंड वॉल में जो होता है एलएसबी का शताब्दी रैक में, वो कौन से कलर का होता है? लाइट ग्रे का होता है, ठीक है। उसके बाद यदि किसी को ये पीडीएफ नहीं मिला है और हमसे पीडीएफ ले चुके हैं तो अपना नाम, डिवीजन और रोल नंबर लिख के भेजेंगे, उनको मिल जाएगा, ठीक है। सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो पीडीएफ पहले से ले चुके हैं। व्हाट इज़ द कलर स्कीम फॉर पेंटिंग द इंड वॉल ऑफ एलएसबी कोच ऑफ राजधानी रेक? राजधानी रेक का क्या है? सिल्वर ग्रे होता है इंड में, और शताब्दी रेक का लाइट ग्रे होता है, ठीक है। व्हाट द फुल फॉर्म पी यू पेंट का है? पोली, पी यू पेंट जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है पोली यूरेथेन पेंट, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। व्हाट इज़ द टेम्परेचर रेंज फॉर एप्लीकेशन ऑफ पी यू पेंट ऑन कोचेज? जो पी यू पेंट का जो एप्लीकेशन होता है, मतलब यूज जब काम करते हैं काम के दौरान, तो उसका जो टेम्परेचर का रेंज क्या होता है? 10 से 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 20 नंबर देखिए, व्हाट वेदर इज नॉट सुटेबल फॉर एप्लीकेशन ऑफ पी यू पेंट ऑफ कोच? जो पी यू पेंट लगाएंगे तो कौन सा वेदर जो है उसके लिए सूटेबल नहीं है? मतलब रेनी डे या कूल डे रहेगा ना, कूल डे में क्या होगा, वो सूखेगा नहीं जल्दी, और सूखेगा नहीं, कहीं से डस्ट अगर उड़ता है तो डायरेक्ट जाकर उसमें चिपक जाएगा, उससे उसका शाइनिंग ख़राब होगा। और रेनी डे में क्या है, बारिश में भी जहाँ जहाँ कहीं भी कोच है वहाँ कहीं पानी से उसके ऊपर गिरा तो पेंट का कलर डाउन हो सकता है, पेंट वहाँ का उड़ सकता है पानी के प्रेशर से, या जो पानी में जो डस्ट वगैरह आएंगे उसके साथ भी पेंट ख़राब हो सकता है। तो ये आपको क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो है और हैं, ठीक है, और आपको अगले वीडियो में या फिर कभी नहीं तो आपके पास तो भेज ही दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, जय हिंद दोस्तों। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और जिनको पीडीएफ लेना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं हर तरह से आपकी तैयारी कराता हूँ, टेस्ट लेता हूँ, अलग से वीडियो बना कर देता हूँ, उसके बाद आपको मटेरियल देता हूँ, हर तरह से आपको प्रेरित करता हूँ कि आप तैयारी कीजिए, सिर्फ आप पढ़ने को रेडी हो जाइए। संसाधन जो है मटेरियल हम देंगे आपको कि आप जेई कैसे बने, और यदि आपने मेरे आदेशानुसार सारे कार्य किए तो आपको जेई बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है दोस्तों, जय हिंद।